डिस्कशंस कर रहे हैं हमारा पेपर इस बार जीओसी का जो हुआ, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ओनली वन करेक्ट आंसर, हमें ये करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, कार्बो एनायन इज यानी आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन फर्स्ट सी माइनस। तो जब भी सी माइनस होगा ये क्या होगा, एक अच्छा खासा इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या चाहेगा, क्या चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल होगा, हाँ पॉजिटिव चार्ज चाहने वाले क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज चाहता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, तो मैं इसको बोलूंगा क्या बोलूंगा, ये इस जगह न्यूक्लियोफाइल, तो ये हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल है। और अगर ये H प्लस चाहता है तो मैं इसको बेस भी बोल दूंगा। तो वो जितने भी एनायन है वो न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं और बेस भी होते हैं। अगर ये C प्लस चाहता है तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, और ये अगर H प्लस चाहता है तो ये क्या कहलाएगा, बेस। तो ऑल एनायन आर न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं बोथ ए एंड बी, ये बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी। आंसर गोज टू सी, यस और नो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल इज का मतलब जिसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। तो सॉल्यूशन फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, आपको इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के होंगे मिलेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज वाले और एक एम्प्टी ऑर्बिटल वाले। एम्प्टी ऑर्बिटल, खैर जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज है वो एम्प्टी ऑर्बिटल तो होता ही है, जैसे सी प्लस, और कुछ बिना प्लस चार्ज के भी एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम। तो अगर आप यहां पर बात करोगे तो बोरोन और एल्यूमिनियम में आपको कौन दिख रहा है, एल्यूमिनियम। क्या आपको कहीं प्लस चार्ज दिख रहा है, नहीं, तो प्लस नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं होंगे। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर वन हो गया, टू हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज ए पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप उसकी होगी जिसके ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस पे होगा, CH3 प्लस पे, कौन सा होगा, sp2। BF3 पे भी sp2, CH3 माइनस है ये, और इसी पे sp3 होगा, यानी ये सही है, ये फ्री रेडिकल है, इस पे भी sp2। तो यहां सिर्फ हमारा आंसर क्या जा रहा है, सी। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिस्ट बेसिक फर्स्ट और बेसिक स्ट्रेंथ इज शोन बाय द सेट, यानी हमें बेसिक स्ट्रेंथ देखना है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, कम करता है। तो देखिए यहां पर इसमें क्या है, प्लस आई, और ये क्या है, माइनस आई, और इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। जब हमारा पहले ही आंसर सही हो गया तो हमें कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहां माइनस आई है, यहां प्लस आई है, फिर न्यूट्रल है, गलत, न्यूट्रल को बीच में आना था जिस पर कोई भी नहीं है, ये तो उल्टा ही हो गया बिल्कुल, और ये सभी हमें गलत दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं हम, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। हमारे पास एक सीक्वेंस रिएक्शन है और हमें यहां क्या देखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी यहां पर हमारे पास हर जगह एक एक एसिड आपको दिखाई दे रहा है पक्का, और हमें उस एसिड्स के अकॉर्डिंग देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस बनता है, समझ में आ रहा है, वीक से कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तो आप ही बताइए, जब इस रिएक्शन में NaNH2 मैंने लिया, ये Na माइनस आ रहा है, तो कौन सी चीज निकल रही है, NH3 निकल रही है, समझ में आ रहा है। तो ये एक एसिडिक हाइड्रोजन दे रहा है और ये बेस है, एक एसिड हो गया और एक क्या हो गया, एनायन, बेस। तो एसिड से अमोनिया निकल रही है, तो अमोनिया इस हिसाब से क्या हो गई हमारे लिए, वीक एसिड होगी, बहुत, इससे भी ज्यादा वीक एसिड है, समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो वीक एसिड है। अब चलिए ठीक है, तो NH3 हमारे लिए सबसे वीक एसिड्स के लिए हो गया है, तो हमारा लिए कौन सा आ गया, NH3 अभी तक के लिए सबसे वीक एसिड है पक्का, और उससे स्ट्रांग तो यही है हमारे पास,
एसिडिक स्ट्रेंथ कमेंट करना है हमें। अब आगे इस कंपाउंड का हमने इससे करा है एल्काइन, तो हमारे को क्या मिल रहा है दिस, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH और H2O मिला रहे हो, तो वो भी अपने आप में क्या हो गई बहुत वीक है। H2O और इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो क्योंकि H2O इसको निकाल रहा है, H2O इसमें से निकाल रहा है, यानी H2O अपने आप में क्या होगा वीक होगा। तो पहले तो आप बताइए कि H2O और एल्काइन में कौन वीक होगा, H2O वीक, H2O स्ट्रॉन्ग होगा और CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपके लिए क्या हो जाएगा वीक, क्योंकि H2O एल्काइन निकाल रहा है तो स्ट्रॉन्ग वीक निकालता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड रिलेटिव। यहां पर हमारे लिए क्या था स्ट्रॉन्ग एसिड, ये तो बेस है, वीक एसिड, वीक एसिड कौन निकलेगा हमारे लिए ये, तो इन दोनों में वीक एसिड, तो NH3 वीक है और हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ फॉर्मेट आ रहे हैं, ठीक है। अब आप ही मेरे को बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा कैसे रहेगा, सबसे ज्यादा आप ही सोचिए कि इसके अंदर कौन स्ट्रॉन्ग बनता चला जा रहा है। शुरू करें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा H2O, नो डाउट, सही है, सबसे ज्यादा कौन होगा H2O, क्योंकि वो लास्ट तक बना रहा है, वो CH से भी ज्यादा है और इन दोनों में PH और CH3 में ये है, तो इसका आंसर नो डाउट इन दोनों से हमारे को ये पता चल रहा है, इन दोनों से भी ये पता चल रहा है, तो कौन होगा बी। तो अब आप फिफ्थ का आंसर टिक करें बी, सही है, कर सकते हैं आप। एक बार और मैं समझा रहा हूं, कभी भी कोई रिएक्शन होती है मैकेनिज्म फिफ्थ वाले के लिए दोबारा से समझ लीजिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड प्लस वीक बेस बनाते होते हैं, या तो ये होता है एक एसिड बेस, जनरली ये भी हो सकता है कि एक सॉल्ट के साथ आपने स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराई तो दूसरा सॉल्ट बन गया आपके पास और उस स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड निकल गया, या कभी ऐसा भी होता है कि सॉल्ट के साथ आपने रिएक्शन कराई स्ट्रॉन्ग बेस की, एक सॉल्ट बन गया और क्या बन रहा है आपके लिए वीक बेस बन रहा है, समझ में आ रही है। ये हमारे को बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि एसिड बेस रिएक्शन तीन तरह की है, समझ में आ रही है गणित, कोई डाउट, श्योर, लॉक कर दें। तो ये हमारे को तीन रिएक्शन हमेशा याद रखनी है। अब ये अपने आप में क्या है एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या है हमारे लिए सॉल्ट, NaNH2 सॉल्ट है, सॉल्ट हो गया, तो इस सॉल्ट ने ये सॉल्ट तो बना लिया लेकिन अब स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या बनेगा वीक एसिड, इसलिए मैंने आपको लिखा था कि NH3 अपने आप में वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई डाउट, समझ में आ गया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन गया आपके पास, आ रहा है कुछ कुछ समझ में। अगली तरफ नेक्स्ट, दूसरी तरफ हमारे लिए वापिस ये हमारे लिए क्या था, इस जगह ध्यान से सुनना, ये पूरा कंपाउंड हमारे लिए क्या था यहां पर, ये भी हमारे लिए अपने आप में एक सॉल्ट था जिसमें C2H2 ने रिएक्शन करा और क्या बनाया PHCH3, तो ये हमारे लिए इससे ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या हो जाएगा वीक एसिड, अब तो समझ में आ रहा है, और ये क्या बना सॉल्ट, फिर सॉल्ट पे स्ट्रॉन्ग एसिड ने रिएक्शन किया इसने और क्या बनाया वीक एसिड और जो भी हमारे पास सॉल्ट उसके लिए, तो आपको समझ में आ गया इन सब में स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है किसमें, इन दोनों में H2 और इसमें H2, समझ में आ रही है बात। इन अब आगे ये हमारे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो रहा है ये फिर ये और फिर ये सबसे कम, इन सभी रिएक्शन से अपने आइडिया लगाया, आ रही है बात कुछ। अच्छा हम बिना उसके भी लगा सकते थे,
हमें इतनी रिएक्शन नहीं दी जाती तो भी निकाल देते। कैसे? नेगेटिव आयन कॉन्जुगेट काफी स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल है? ओ माइनस पे, फिर एसपी थ्री हाइब्रिडाइज कार्बन पे, फिर यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो रेजोनेंस में है पक्का, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन के कंपेयर में स्टेबल है, लेकिन बाकी औरों के कंपेयर में तो क्या है, कम है। कोई डाउट? कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो फिर इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो ये भी हमारे लिए एक डाटाबेस हो जाता है, हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ये मैंने तीन रिएक्शन लिखाई है, तीनों आपने अच्छे से उतार ली होगी, आप लिखते जाएं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाइड्रोक्सिलिक प्रोटोन द मोस्ट एसिडिक? एसिडिक सबसे ज्यादा कहां होगा, कहां होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, कहां होगा, क्योंकि हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर माइनस प्रोटॉन निकलने के बाद माइनस ऑक्सीजन पे माइनस, और ये माइनस बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहां जब माइनस बनेगा उसके पास एफ बहुत दूर है, आई बहुत दूर है, एफ बहुत दूर है बगल में, तो सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक कौन होगा? डी। मोस्ट क्या क्या दिख रहे हैं, जितना ज्यादा क्लोज होगा माइनस आई उतना ही ज्यादा अच्छा है, किसके लिए? एनायन के लिए। एनायन के लिए माइनस आई जितना पास हो उतना अच्छा है, और केटायन के लिए प्लस आई जितना ज्यादा पास हो उतना अच्छा है। चोर चोर मोसेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग एसिड इन करेक्ट के ए वैल्यू। आप जानते हो एसिडिक स्ट्रेंथ और के ए एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में, ये जो लगा हुआ है ये माइनस है, वन नहीं है। अब कितना आसान है उसको हम देखते हैं, इस जगह करो इसको, तो कैसे इसको हम बना पाएंगे? सेवन क्वेश्चंस। जितने भी कैटायन होते हैं वो तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिडिक होंगे, क्यों? क्योंकि वो एच देने के बाद न्यूट्रल बनेंगे, समझ में आ रही है बात? तो न्यूट्रल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो कैटायन कोई भी हो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। जैसे NH4+ या जो भी है CHCCOOH2+, वो ज्यादा एसिडिक होंगे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? आंसर सेवेंथ, कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो नंबर इन सब में मेरे लिए नंबर वन सबसे ज्यादा। अब बात आती है कि यहां पर O माइनस आएगा, क्योंकि यहां O माइनस आएगा, यहां O माइनस आएगा, क्लियर है? तो आप ही बताइए एनसी कौन सा इफेक्ट देगा, माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि एच देने के बाद देखते हैं अपन कॉन्जुगेट बेस में यानी एनायन में कितना स्टेबल होगा। तो ये सी एन माइनस क्या इफेक्ट देगा? माइनस आई एनायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाँ। फिर इसका मतलब फर्स्ट के बाद सेकेंड, फिर आ रहा है सी एस थ्री जो कि अपने आप में क्या दे रहा है, प्लस आई, तो थर्ड नंबर पे आ गया ये। फिर सी डबल ओ माइनस, तो बहुत ज्यादा प्लस आई ग्रुप है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एनायन है, नेगेटिव चार्ज अपने आप में प्लस आई बहुत ज्यादा होते हैं, और प्लस आई एनायन को क्या देंगे? अनस्टेबिलिटी। वो एनायन कैसे आया? क्योंकि एच देने के बाद हमें देखना है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप उनके कॉन्जुगेट बेस बनाओ एक एच निकालने के बाद, और एक एच निकालने के बाद अगर आप बनाते हो तो ये न्यूट्रल बनता है, ये एनायन बनता है, ये एनायन बनता है, एनायन बनता है, न्यूट्रल स्टेबल होता है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर इसमें माइनस आइए, इसमें प्लस आइए, और इसमें बहुत बड़ा प्लस आइए, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबसे कम। तो ये आपकी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम, आ गया 8th क्वेश्चन, ये रहा हमारा। क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट? कौन सा ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है? कार्बोक्स इन सब में देखते ही पता चलता है कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर वाटर आता है, यानी ये तो गलत हो गया हमारे लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वाटर, फिर एल्कोहल, और फिर एल्काइन, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, फिर फिनाइल यानी बेंजीन, और फिर एल्कीन, और फिर उसके बाद एल्केन।
तो बहुत कम होती। तो आंसर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है ओ पे माइनस और रेजोनेंस ओ पे माइनस लेकिन प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, और सी पे माइनस लेकिन एसपी हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये एल्कीन और एल्केन से ज्यादा एसिडिक होगी, होगी या नहीं होगी। ठीक है, विच ऑफ द एम इज फॉल्स फॉर ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, नेगेटिव फॉल्स पूछ रहा है, गलत। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सही है। तो एनआर थ्री ये प्लस है, ये प्लस है, तो आप ही बताइए एनआर थ्री का माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये सही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमें तो गलत ढूंढना है। OCH3 बिल्कुल, OCH3 का OR OH से ज्यादा होता है, OH का NH2 से ज्यादा होता है, ये भी सही है। तो अब तो आप जानते हो अगर तीन ऑप्शन लाइन से गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन सही होगा। आप क्या लगते हो, एल्काइन का माइनस आई इफेक्ट फिनाइल से ज्यादा रखते हो या नहीं रखते, रखते हो, तो सही ऑर्डर ये होता, फिर ये होता, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप होता। तो ये गलत है, इसीलिए आंसर आपसे पूछा जा रहा है फॉल्स। हाँ या ना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स, बेसिसिटी कैसे पता लगाना है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक होता है और वीक का स्ट्रॉन्ग, तो HI का F माइनस स्ट्रॉन्ग होगा, F माइनस के बाद कौन आएगा, Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो ये हमारे पास C चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से क्लियर है। तो बेसिसिटी का मतलब हो गया बेसिक स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग का वीक होता है, HF सबसे वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। उतार लीजिए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड लेंथ, लॉन्गेस्ट यानी यहां तो देखो कहीं कोई रेजोनेंस ही नहीं है, तो यहां पर तो क्या होगी शॉर्टेस्ट। क्या यहां पर आपको दिख रहा है कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन, थ्री अल्फा, ठीक है तो थोड़ी शॉर्ट होने के चांसेस हैं। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सोच के बताओ जल्दी से, यहां अल्फा हाइड्रोजन तो एक ही है, एक भी नहीं है तो नॉर्मल रहेगा, कोई खास नहीं है। यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तीन और तीन छह, सिक्स अल्फा, तो शॉर्टेज हो जाएगा। जितना इंडक्टिव, सॉरी ये कौन सा फैक्टर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा हमारे, हाइपर कॉन्जुगेशन। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ही मूवमेंट होगा, और उतनी ही इस डबल बॉन्ड के मूवमेंट की वजह से यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे और बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हम इन द रिएक्शन CaCN और H3O+ और हमारे पास इस तरह का कुछ रिएक्शन होता है, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द फंक्शनल कार्बन चेंज। आप ही बताइए CaCN में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था, sp कार्बन में, फंक्शनल कार्बन की बात कर रहा है दूसरे की नहीं, और COOH में CaCC डबल बॉन्ड OOH में आपको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखने को मिलेगा, sp2। तो इन दिस रिएक्शंस द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज क्या हो रही है, हमारा अगर बात करें तो sp से आपको क्या मिल रहा है, sp2, तो आंसर क्या जाएगा सी। हाँ या ना। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन हमारे पास स्टेबिलिटी दे रहा है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, प्लस आई प्लस एच प्लस एम, एम मतलब मेसोमेरिक, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई माइनस एच माइनस एम। तो आप ही बताइए यहां सीएल कौन सा ग्रुप है, प्लस आई या माइनस आई, चलो सही है, ये NO2 क्या है माइनस है, बहुत सही कहा, ये कौन सा है प्लस, प्लस अगर हम बात करें तो एम, और यहां कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है प्लस को कौन सपोर्ट करेगा, प्लस, तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा इसके अंदर, सी मोस्ट स्टेबल, नंबर वन कौन रहेगा, यही,
ठीक है, तो हमारे लिए आंसर क्या जाएगा? सही, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाँ सही, 14, मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन इज, ये जहां इस तरह का आ रहा है ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, एनायन की बात कर रहा है और ये भी माइनस है। मोस्ट स्टेबल कार्बो एनायन, क्या ये एसपी हाइब्रिड पे? हाँ, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ये किस पे? एसपी टू पे। ये किस पे? एसपी थ्री पे। और ये किस पे है? ये हमारे पास एसपी टू। तो मोस्ट स्टेबल अगर मुझसे पूछा जाए तो आंसर क्या दूंगा मैं? ए। सभी जगह कार्बन पे, कहीं रेजोनेंस नहीं देखने को मिल रहा। जब रेजोनेंस नहीं देखने को मिल रहा है तो आपका आंसर क्या जाएगा? ए। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बो केटायन। अगर आप इसको कंसीडर करना चाह रहे हैं, फॉलोइंग कार्बो केटायंस, तो द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बो केटायंस आर सच दैट, रिलेटिव स्टेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? वो होगा जिसमें कार्बोकेटायन में प्लस एम देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? ए, क्योंकि यहां प्लस एम है, यहां प्लस एम है, यहां प्लस एच है, यहां कुछ नहीं है, यहां रेजोनेंस है, रेजोनेंस तो है, और यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एच। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा आप ही बताइए? ए। ए के बाद कौन होगा? रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन सी, और सी से पहले बी और फिर डी, क्योंकि रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा होगा ही होगा, ये नॉर्मल रेजोनेंस तो है ही, कोई डाउट? तो ये हमारे लिए आंसर होगा और ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की बात करेंगे तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देना चाहता है बहुत अच्छे से, लेकिन आप ही बताइए, नाइट्रोजन देना चाहता है तो कब देगा? जब प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा हो या प्लस एम बहुत ज्यादा हो। क्या इसके पास प्लस एम है? नहीं है। क्या इसके ऊपर प्लस एम है? उल्टा माइनस एम है। यहां पर भी यहां क्या है? माइनस आई वर्क करेगा क्योंकि मेटा पोजीशन है, ऑर्थो मेटा। यहां कौन है? यहां पर आपके पास रेजोनेंस भी नहीं है, बहुत अच्छा। तो नो रेजोनेंस, तो इसके देने की टेंडेंसी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ये उल्टा लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट इन, आप ये लिख लीजिए, लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस रेजोनेंस नॉट पार्टिसिपेट इन दिस। तो ये उल्टा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा इसके लिए, और इसी वजह से दिस। तो डी को छोड़कर ए बी सी की अगर हम बात करें तो तीनों ही जगह हमारे को क्या दिख रहा है? लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, और डी के अंदर हमारे लिए लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और साथ में हमारे को प्लस आई इफेक्ट भी देने को कोशिश कर रहा है। यस और नो? आ गई बात समझ में? अगला कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? 17, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ ऑफ सी एल माइनस, ये सी एल माइनस है, सी एस सी सी डबल ओ माइनस है, ओ एच माइनस है, एफ माइनस है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे इन सब की, तो आसानी से कौन ज्यादा आसानी से देगा, या खुद अपने आप में अनस्टेबल हो। अनस्टेबल क्यों देख रहा हूं मैं? तभी तो वो अपना एनायन देने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा आसानी से कौन देगा? एच एफ। और वैसे भी देखा जाए, अब एच एफ और एच टू ओ में कौन है? ओ एच, क्योंकि ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। तो हम सब समझ सकते हैं कि ओ एच सबसे ज्यादा, फिर एफ माइनस, फिर सी एल माइनस, और फिर ये रेजोनेंस होने की वजह से ही है। ये आप देख सकते हो, सी एस सी सी डबल ओ एच सबसे स्ट्रांग है, नहीं? अच्छा, सी एस सी सी डबल ओ एच से भी सी एल ज्यादा है। तो आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिड कौन है? एच सी एल सबसे ज्यादा, फिर सी एस सी सी डबल ओ एच, फिर आता है आपके पास एक और मिनट, एच सी एल, फिर एच एफ, फिर सी एस सी सी डबल ओ एच, और फिर आता है एच टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सी एल माइनस सबसे वीक हो जाएगा, फिर एफ माइनस, फिर सी एस सी सी डबल ओ माइनस, और फिर ओ एच माइनस।
तो बताइए ये ऑप्शन कहां दिख रहा है, सी एल माइनस, एफ माइनस, सी एस सी डबल ओ माइनस, ए आंसर। यस और नो? तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ, सी एच सी एल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, बचपन से पढ़ रहे हैं, फिर एच एफ, फिर सी एस सी डबल ओ एच और फिर एच टू, तो उनके कॉन्जुगेट इस तरह से कुछ होंगे। तो एसिड बेस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए आप, फॉर्मिक एसिड इज कंसिडर एज ए हाइब्रिड ऑफ फोर स्ट्रक्चर, ठीक है, फोर स्ट्रक्चर है हाइब्रिड में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? मैंने आपको शुरू से ही बताया है, न्यूट्रल या जिसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल बॉन्ड्स है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें कितने बॉन्ड है, वन टू थ्री फोर, इसमें कितने, वन टू थ्री फोर, तो आपके लिए सबसे ज्यादा कौन और बाकी इसमें कितने, वन टू थ्री फोर। अच्छा वन टू इस वाले को मत काउंट करो क्योंकि मैंने करा भी नहीं है यहां पर, तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री, पक्का? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर कौन होगा, सेकंड, क्योंकि उसके बाद यही है, दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है लेकिन ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखता है। फिर इनके बाद इन दोनों की बारी आ रही है, ऑक्सीजन पे यहां पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ओपे माइनस या ओपे प्लस, ओपे माइनस, तो यानी फर्स्ट सेकेंड और फिर थर्ड और फिर फोर्थ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, बिल्कुल सही है, इसका ए आंसर जाएगा। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इज मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक कार्बोनियम आयन, यानी कि हमें देखना है प्लस कौन सा ज्यादा है, तो आप एक ही देख लीजिए, वो ज्यादा कार्बोनियम आयन एसिडिक होगा जिसके अंदर इस जगह स्टेबिलिटी सबसे कम हो, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन देखना है अपन, तो जो खुद ज्यादा स्टेबल होगा वो क्यों आपके लिए H माइनस लेने की कोशिश करेगा, समझ में आ रहा है? तो एसिडिक स्टेबल या आयन इज मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है, अच्छा पूछ ही मोस्ट स्टेबल रहा है, तो स्टेबल अगर पूछ रहा है तो यहां रेजोनेंस है, यहां सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, मैं एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहा था, चलिए ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल क्या होगा इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, आप खुद ही सोच लीजिए, सी प्लस पी एच पी एच पी एच, कितना रेजोनेंस मिलेगा इसको, तीनों से ज्यादा मिलेगा, अगर इससे ज्यादा कोई स्टेबल कार्बोकेटायन है तो वो है ये वाला सी प्लस, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, और उसके बाद ये आता है और उसके बाद बाकी सब आते हैं। तो 19 हो गया हमारा, कोई दिक्कत आ रही है, लिखें इसको। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इज, देखिए यहां पर साइक्लिक है, बिल्कुल है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो ये एरोमेटिक है, यस और नो? ये कैसा है, दो और दो चार, एंटी एरोमेटिक, ये कौन सा होगा, चार, एंटी एरोमेटिक, और ये क्या हो जाएगा, यहां ये है माइनस इस तरह का डिब्बा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, वो माइनस साइन है, फ्रंट गायब हो गया, समझ, ओके, यस और नो? लेकिन खैर वो हो या ना हो, हमारा आंसर तो एरोमेटिक एक ही है, यस और नो? अगर वहां चार्ज नहीं होता तो क्या हो जाता, नॉन एरोमेटिक। उसमें मैच द लिस्ट, अगर इसकी मैच करते हम, हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21, देखो 21 के अंदर हमारे पास बस ठीक है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, तो थोड़ा और ऊपर ले, एक लाइन और, हमें कोड्स चाहिए, बस आ गए कोड। मैच द लिस्ट में अगर हम यहां देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, प्लस, ये ज्यादा स्टेबल है इससे, क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस भी है या नहीं है, आपको दोनों देखने को मिल रहा है, रेजोनेंस इस रिंग की वजह से और हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी वजह से, तो इसका आंसर क्या जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, आंसर क्या जाएगा इसका, थर्ड, तो फर्स्ट ए का थर्ड हो जाएगा। यहां बी आर माइनस आ रहा है, ये नेगेटिव है एक तरह से और ये नेगेटिव है, तो बताइए ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर
अपने आप में दो प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, दो प्लस आई, तो यहां कोई प्लस आई नहीं है, तो इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट इस एनायन को क्या करेगा, स्टेबिलिटी क्या कर देगा, कम। प्लस आई के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन भी है इसमें, ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा। अच्छा, एनायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं क्या, नहीं, तो यहां क्या रहेगा, सिर्फ और इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसका आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट सीएसटी का प्लस आई इफेक्ट, जिससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, माइनस की, कम हो जाएगी। बोलो यस और नो। यहां पर ये प्लस है, ये प्लस है, तो आप ही मेरे को बताइए कि ये प्लस इस प्लस से ज्यादा स्टेबल क्यों, क्योंकि सीएसटी का प्लस आई इफेक्ट भी होगा, प्लस आई इफेक्ट भी होगा और प्लस एच भी होगा, तो प्लस आई और प्लस एच यानी हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट दोनों देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। यहां पर ये प्लस आई इफेक्ट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट है, नहीं, तो मेन क्या आ रहा है इसके लिए, रेजोनेंस, तो डी के लिए रेजोनेंस आंसर आ रहा है, यानी कि सेकेंड, तो ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर और डी का टू, इसका आंसर क्या जाएगा, बी। हाँ या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? ओके, नेक्स्ट। बस ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, भाई लोन पेयर क्या ये रेजोनेंस में है? हाँ, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चल जाता है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम। यहां पर भी जाएगा, यहां पर भी जाएगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, बी, बॉम्बे, पक्का इसका रेजोनेंस पे नहीं है तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसी की होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द इफेक्ट नेमली इंडक्टिव मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट, तो बताइए मॉलिक्यूल में इफ मेनली इंडक्टिव मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन सभी वर्क कर रहा है, तो यार इस डबल बॉन्ड का इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन है, इस डबल बॉन्ड का इस सी डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है, बोलो है, तो हमारे लिए सब कुछ दिख रहा है, रेजोनेंस भी दिख रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, और अब आगे इंडक्टिव इफेक्ट हम किसके लिए बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट का यहां पर कोई ऐसा रोल नहीं दिख रहा है मुझे, मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ इंडक्टिव की कोई जरूरत भी नहीं थी मुझे, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से इंडक्टिव तो हर जगह देखने को मिल जाता है, इंडक्टिव तो हर कंपाउंड में होगा, यस और नो, तो उसके लिए इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं थी, बस किसको देखना था, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, तो आंसर क्या जाएगा इसका, सी। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ इंडक्टिव है, इसमें क्या है, इंडक्टिव है और हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें क्या है, इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस है, इसमें क्या है, सिर्फ रेजोनेंस है, इंडक्टिव तो हर जगह होता है लेकिन यहां पर वो भी नहीं दिखेगा, यहां सिर्फ दस है, तो चाहो तो लिख लो इंडक्टिव एंड सिर्फ इंडक्टिव, इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, और सिर्फ रेजोनेंस देखने को मिलेगा आपको। मेजोमेरिक तो बेटा कोई ग्रुप जुड़ता है बेंजीन के ऊपर, उसकी वजह से मेजो आता है, बेंजीन में जो अपने आप में इफेक्ट है वो तो रेजोनेंस ही कहलाएगा, यह सुनो, सी वाले में मेजोमेरिक, बेटा ये तेरे को बेंजीनिक दिख रही है, मेजोमेरिक, हाँ, फिर इस कंडीशन में मेसोमेरिक का मतलब हम रेजोनेंस को ही देखेंगे, ठीक है बेटा, सीओ सी एस थ्री इस तरह से, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, ठीक है, तो क्या ये रेजोनेंस में है, ये इधर जाएगा, हाँ, तो ये प्लस एम की मेजो की तरह हम बोल सकते हैं इसको, जैसे मेजो हमेशा हम बेंजीन रिंग में ज्यादा अच्छे से बोलते हैं, बेंजीन होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर और कोई ऑप्शन दिखता जिसके अंदर मेरे पास बेंजीन होती तो मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता, लेकिन अभी तो हमारे लिए आंसर यही जाएगा, कोई डाउट, और उसे यहां मेजो की जगह रेजो लिखता तो ज्यादा इफेक्टिव लेता वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल, चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप देखो ये रिएक्शन है, मुझे नहीं मालूम लेकिन अगर मैं ये रिएक्शन कराता हूं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ओ माइनस
ये माइ एच इधर जाएगा और ये इधर आएगा, प्लस ओ एच और एनओ टू। क्या लग रहा है आपको, ये एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, ये तो सॉल्ट है ही, इसका कोई रोल नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनना होना चाहिए, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, OH और फिनोल में। NO2 ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है या कम करता है, बढ़ाता है, तो ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड। तो क्या ये वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन पाएगा, नहीं। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी, क्या सोच के देखो, नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ यहां देखो, ये एक एसिड है, क्या बनेगा, मान लिया ये बन गया एस सी डबल ओ एच प्लस सी एस सी सी डबल बोन ओ ओ माइनस एन ए, ये सॉल्ट और ये एक सॉल्ट था, ये एक एसिड है और ये एक एसिड है, कौन सा एसिड स्ट्रांग है, फॉर्मिक एसिड या एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो स्ट्रांग एसिड बन रहा है वीक एसिड से, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो खत्म, बस यही होता है, देखो आप कहते हैं ना इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, तो ये वही हो गई, हाँ या ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन सकता है, लेकिन वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनेगा। दो और क्वेश्चन है, ये एसिड दिख रहा है आपको, इससे बनने वाला एसिड कौन सा होगा, ये एच इसको देगा SO3H, वाह ये तो सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, वीक से स्ट्रॉन्ग बनेगा, नहीं। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत है तो फोर्थ आंसर सही होता है, ऐसा हम सबका कहना है, फिर भी चेक कर लो। ये गया एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये बनेगा इसमें एच टू, और इन दोनों में कौन स्ट्रांग है, एच टू, स्ट्रांग एसिड से वीक एसिड बनेगा, हाँ बिल्कुल, दैट इज द पॉसिबल रिएक्शन, इजी है ना, कर सकते हैं हम, अब आराम से हो सकता है हमारा। नेक्स्ट 24 हमारा हो चुका है, शुरू करते हैं 25। हमारे पास पीके की वैल्यू पूछ रहा है, और पूछ रहा है कंपाउंड डिक्रीजेस इफ एक्स इज, यानी पीके अगर आप जानते हो पीके डिक्रीज होगा, आप ही जानते हो, तो के क्या होगा, बढ़ेगा, इतना तो हम अच्छे से जानते हैं, और के बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, यस और नो। तो अगर आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है यहां पर, तो देखिए किससे बढ़ेगी, आप सब जानते हैं यहां पर एच देने के बाद एनायन बनेगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन बनेगा, एनओ टू। तो पीके वैल्यू ऑफ द कंपाउंड डिक्रीजेस इफ एक्स इज एनओ टू, एनओ टू है तो मजा ही कुछ और है, समझ में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट यही होगा, और आंसर क्या जाएगा इसका, ए 25 का। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स मोस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल, भाई सबसे ज्यादा कार्बन फ्री रेडिकल कौन बनाएगा इन सब के अंदर, ठीक है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये सब जगह कार्बन फ्री रेडिकल है, ये अपना हाइड्रोजन देगा और ये इस तरह से बनाएगा, ये प्लस सी एच फोर, इसने एच दे दिया और इसने ले लिया तो फ्री रेडिकल बनेगा, इसने यहां वाला हाइड्रोजन दिया तो क्या बनेगा आपके पास, ये वाला और सी एच फोर बनेगा, कोई दिक्कत, ये कौन सा फ्री रेडिकल बनाएगा, इसका तो कहना ही बहुत बड़ी बात है कि सी एच थ्री अगर डॉट है अटैच करना चाह रहा है, ठीक है, तो हम यहां अगर बात करें मोस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल, सही है सही है सही है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखते हैं अपन। जितनी भी अपने आप में डबल बॉन्ड है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आ गई बात समझ में, तो ये यहां पर अटैक कर रहा है, तो एक फ्री रेडिकल बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां सी एच थ्री आ जाएगा, फ्री रेडिकल यहां बनाएगा, या यहां अटैच करो फ्री रेडिकल वहां बना लो, सही है, पक्का, कोई डाउट, इसमें कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा आपको देखने को,
यहां सी एस सी अटैच कराओ जिससे फ्री रेडिकल यहां बने, एक पाई बॉन्ड की कुर्बानी देगी और फ्री रेडिकल यहां आ जाएगा। इसके अंदर कौन सा बनेगा, आप समझ ही रहे हो, पी एच टू सी, एक तरफ सी डॉट लगाना है सी एच थ्री और एक तरफ डॉट लगाना है और एक तरफ सी और फिर क्या लिख दोगे पी एच टू। तो क्या यहां रेजोनेंस मिलेगा, हाँ लपक के यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रेजोनेंस मिलेगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो यही होगा। और यहां फ्री रेडिकल क्या बनेगा, सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, एक जगह सी एच थ्री अटैच हो जाएगा और एक तरफ लोन पेयर। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ो, यहां डॉट लगा दो, इस डॉट के साथ इसको अटैच करो, ये डॉट फ्री रख लो, या इस डॉट के साथ इसको अटैच करो ये फ्री रख लो, ये होता है मैकेनिज्म। मैंने हर जगह पाई बॉन्ड तोड़ा है और पाई बॉन्ड तोड़कर एक डॉट इसके साथ अटैच करा और एक डॉट फ्री रखा है। यहां फ्री रखने के पीछे मेरा लॉजिक था कि रेजोनेंस मिले उसे, यहां डॉट फ्री रखने के पीछे मेरे को लॉजिक था रेजोनेंस, वो तो खैर दोनों ही आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर ये, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी। यस और नो, क्लियर है, आप इसको लिखिए सी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 27, आपके पास 1-2 शिफ्टिंग है और मेजर प्रोडक्ट है, ये एक तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट हो गया कि 1-2 शिफ्टिंग है क्या। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अलग है हटकर कि अगर ये बेंजीन रहेंगे हमारे पास सी और सी एच थ्री और एच सी एच टू, बस ये हमारे पास प्लस है, ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहां मुंह कर जाएगा और प्लस कहां मुंह कर जाएगा, इस तरफ, तो इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इसको 1-2 शिफ्टिंग, क्योंकि 1-2 1-2 आजू बाजू को 1-2 और एक छोड़ के 1-3 दो छोड़ के 1-4 इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1-2 शिफ्टिंग, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर जाएगा प्लस उधर जाएगा, और ये किस इफेक्ट के थ्रू हो रहा है, किस इफेक्ट के थ्रू हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसको बोलेंगे हम 1-2 शिफ्टिंग। तो क्या आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है, हाँ वही यही बन रहा है, इज दैट क्लियर, हाइड्रोजन उस तरफ शिफ्ट किया है और सी एच थ्री इस तरफ आया, तो इसको बोलेंगे हम 1-2 शिफ्टिंग, और हमारा आंसर 1-2 शिफ्टिंग के थ्रू ये बन रहा है। एक बार लिख लीजिए, तो 27 का हमारे पास क्या जा रहा है, ए। नेक्स्ट हमारे पास एक अल्कोहल है ऑन डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ये बिल्कुल हमारे लिए मैकेनिज्म का आ गया, इसको हम अलग ही चैप्टर में करेंगे, ये हमारे चैप्टर में अभी नहीं है। वैसे डिहाइड्रेशन का मतलब होता है OH निकाल देना, और फिर भी अगर आपको थोड़ा सा IQ हो तो आप आराम से कर सकते हो, उस एल्कीन को बनाने की कोशिश करो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2 को निकाल के CH2 OH और ये H, तो अगर यहां इन दोनों का तो निकल ही नहीं सकते, और यहां होता क्या है, पहले ये प्लस बनता है, फिर ये प्लस यहां शिफ्ट होता है, और फिर उसके बाद एल्कीन हमारे पास ये बनती है, तो पहले ये 1-2 शिफ्टिंग होगी, यहां OH है वहां कार्बोकेटाइन बनेगा, ये मैकेनिज्म का पार्ट हो गया एक तरह से। CH इसका हाइड्रोजन इधर जाएगा CH3 और प्लस इधर आ जाएगा, फिर ये H होगा, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये हमारे पास इस तरह से बनेगा, तो इस तरह से हमारे पास CH3 बन जाएगा और यहां हमारे पास B आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ अभी ये मैकेनिज्म का हो गया, ये मैं डिहाइड्रेशन बहुत अच्छे से कराने वाला हूं आपको फ्यूचर में, ये हाँ मैकेनिज्म आ रहे हैं, तो हम यहीं तक करेंगे बस, थैंक यू।